राहुल गांधी इनकी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से होते हुए जम्मू कश्मीर की ओर यहां पर आगे बढ़ रही है। ये जो यात्रा है महाराष्ट्र के अंदर 7 नवंबर को दाखिल हुई है और आज 18 नवंबर के दिन ये यात्रा जो है बुलढाणा ज़िले के शेगांव इस गांव में यहां पर पहुंचने वाली है। और यहां पर जो है यहां पर 5 बजे सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा के अंदर हम आपको दिखा दें कि लगभग 50,000 कुर्सियां जो है यहां पर लगाई गई है और लोगों को बैठने की व्यवस्था जो है यहां पर की गई है। साथ ही आयोजकों ने यहां पर दावा किया है कि 2 से 2.5 लाख लोग जो है यहां पर आने वाले हैं और इस सभा का सभा को सुनने के लिए यहां पर लोग पहुंचने वाले हैं, ऐसा दावा जो है आयोजक की ओर से किया गया है। और यहाँ पर जो है कांग्रेस के आला नेता यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं और ये यात्रा जो है यहाँ पर अभी थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर शेगांव में यहाँ पर दाखिल होने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हुई है उसकी ये दूसरी सभा जो है यहाँ पर शेगांव में होने वाली है और शेगांव के अंदर बड़े आला नेता जो है कांग्रेस के पूरे यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बहुत से जो नेता है 2 दिन पहले ही यहाँ पर आकर रुके हुए हैं और उन्होंने जो है यहाँ पर इस सभा स्थली का आयोजन जो है यहाँ पर किया है। और ये यात्रा जो है यहाँ से शेगांव से होते हुए आगे बढ़कर एमपी में यहाँ पर जाने वाली है और यहाँ पर होने वाली जो सभा है यहाँ पर सुनने के लिए लाखों की तादाद में लोग आने की संभावना जो है यहाँ पर बताई गई है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि यहाँ पर कितने लोग मौजूद होते हैं। कैमरामैन योगेश के साथ मैं दीपक मोरे, लॉर्ड बुद्धा टीवी, बुलढाणा।